Good morning students. My name is Neeraj Sharma and we were discussing about chapter Continuity and Differentiability which is chapter 6 of our class 12th Mathematics. Ok students, so up to question number 9 we have discussed yesterday. Now from question number 10 we will discuss. So in question number 10, first part, discuss continuity at x equal to 1. एफ एक्स इज गिवन इक्वल टू फाइव एक्स माइनस फोर फोर जीरो से वन एंड फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स फोर एक्स लेस देन इक्वल टू वन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड लेस देन टू ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है तो स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हम नौ दस क्वेश्चन इसके बेसिक बेसिक कर चुके हैं तो अब हमें एक्चुअल में जो थ्योरी है जो अप्लाई करनी है वो अच्छे से क्लियर हो चुकी है तो आप कैसे करना है इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए वन पर कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर जहाँ पर कॉन्टीन्यूटी चेक करनी होती है वन के लिए ये वाला फंक्शन काम में आएगा ये वाला वन पे इक्वल टू यहाँ पे है तो ये वाला फंक्शन काम में आने वाला है तो फोर इंटू वन स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन फोर माइनस थ्री विल बी इक्वल टू वन ये फर्स्ट स्टेप लिखा उसके बाद वी विल सिंपली कैलकुलेट एल एच एल अब एल एच एल कैलुलेट करना बड़ा आसान होता है मैंने बता रखा है लिमिट एच टेंस टू वन पे चेक करनी है तो वन माइनस आर एच एल में वन प्लस हो जाएगा एफ एक्स वन से कम के लिए कौन सा फंक्शन टर्म में आएगा ये वाला फंक्शन फाइव एक्स माइनस फोर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो और एक्स को रिप्लेस करेंगे वन माइनस एच से माइनस फोर अब एच की वैल्यू पुट कर दो सिंपली इट विल बिटम फाइव माइनस फोर इज इक्वल टू वन जिस तरह हमने एल एच एल कैलकुलेट किया एल एच एल क्या होता है लेफ्ट हैंड लिमिट अब उसी तरह ये दोनों इक्वल आ गए अगर इक्वल नहीं आए होते तो यहीं बोल दिया होता डिसकॉन्टिन्यूएट एक्स इक्वल टू वन बट ये इक्वल आए हैं तो अब आर एच एल और कैलकुलेट करना पड़ेगा सो आर एच एल दैट इज आवर राइट हैंड लिमिट बताओ लिमिट एच टेंस टू वन प्लस और वन प्लस के लिए कौन सा फंक्शन काम में आएगा ये वाला फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप विल बी लिमिट एच टेंस टू जीरो अब एच की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज सो इट विल बिकम माइनस थ्री दैट इज इक्वल टू वन और स्टूडेंट्स इसके बाद हम कह सकते हैं डेयर फोर एल एच एल इक्वल टू एफ इक्वल टू आर एच एल अच्छा बताओ एल एच एल क्या होता है होता है पर वन पे चेक कर रहे थे तो वन माइनस एफ एक्स एल एच एल के लिए एफ एक्ट अगर लिखना भी चाहो तो फाइव एट्स माइनस फोर था क्या था फाइव एट्स माइनस फोर इज इक्वल टू एफ ए मतलब जिसपे तुमने चैप्टर आर एच एल वॉज लिमिट x प्लस और Fx लिए अब दूसरा था पहले तो अपन कर देते थे, थे ना लेकिन पर के 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 लिए 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 और लिए, दोनों फंक्शन अलग है तो अलग स्क्वायर माइनस थ्री एक्स अब ये सारे इक्वल आ गए तो इसके बाद जस्ट नेक्स्ट लाइन क्या होगी देयर फोर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू वन इस तरीके से हमें बोर्ड में इस क्वेश्चन को अटेम्प करना है ताकि कोई मार्क्स ना कटे और हमें फुल फोर मार्क्स मिले इस क्वेश्चन के अंदर इसका सेकंड पार्ट और है उसको डिस्कस करते हैं जिसमें कह रहा है कि एफ एक्ट्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू इफ एक्ट्स ग्रेटर दैन वन थ्री इक्ट्स लेस देन वन एंड टू एक्स प्लस वन इफ एक्ट्स इज इक्वल टू वन इस तरीके का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अब ये बड़ा आसान क्वेश्चन है देखिए वन पे कॉन्टीन्यूटी चैप्टर नहीं है तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू पता करो वन पर सो so, वन पर तो उसने बोला है टू एक्स प्लस वन वाला फंक्शन तो यहाँ पे की एक्सर कितना रखना है हमें वन रखना है तो सिंपली ये कितना आ गया थ्री आ गया स्टूडेंट्स अब उसके बाद एल एच एल कैलकुलेट करना है अब एल एच एल क्या होता है लिमिट एक्स टेंस टू वन से कम के लिए वन माइनस लेकिन अब जो फंक्शन है वन से कम के लिए वो सिंपली थ्री है मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है तो लिमिट पुट करने की जरूरत ही नहीं है सिंपली क्या आ गया थ्री आ गया चलिए आर एच एल पे आ जाइए आर एच एल में क्या करना होता है लिमिट एक्स टेंस टू जहाँ पर भी चेक कर रहे हैं जैसे वन पे कर रहे हैं तो वन प्लस अब वन से ज़्यादा के लिए कौन सा फंक्शन काम में आएगा दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस टू नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एंड रिप्लेस एक्स बाई वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू सो एच की वैल्यू पुट करो जीरो वन का स्क्वायर प्लस टू दैट विल बी थ्री और अब बाकी वही सेम बातें लिखनी है हमें कि भाई एल एच एल इज इक्वल टू एफ ए इज इक्वल टू आर एच एल देर फॉर फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस फॉर कंटिन्यूस एट एट्स इक्वल टू वन इस तरीके से मैं कहूँगा जो सेकेंड पार्ट था ये टेंथ का सेकेंड पार्ट है ये भी एक बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और तुम इसको ईजिली कर सकते हो अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन जिसमें कह रहा है कि डिस्टस कॉन्टीन्यूटी एट्स एट एट्स इक्वल टू वन बाई टू सो स्टूडेंट्स हमें एट्स इक्वल टू वन बाई टू पर इसकी कॉन्टीन्यूटी की बात करनी है तो बड़ा आसान है अब क्योंकि हर क्वेश्चन में एक ही तो बात अप्लाई करनी है इसलिए सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू वन बाई टू पर जो कि क्लियरली जीवन है वन बाई टू पर कितना आ रहा है वन आ रहा है उसके बाद क्या कैलकुलेट करते हैं हम एल एच एल एल एच एल कैसे कैलकुलेट करते हैं लिमिट एच टेंस टू ए माइनस ए पॉइंट होता है जहां पर डिस्कस कर रहे हो तुम कॉन्टीन्यूटी को सो वन बाई टू माइनस और फंक्शन अब एल एच एल के लिए कौन सा फंक्शन आएगा वन बाई टू से कम के लिए दैट इज वन बाई टू माइनस एच ओके स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है एच टेंस टू जीरो सो एच को रिप्लेस करेंगे हाफ माइनस एच से हाफ माइनस एच से अगर आर एच एल होता तो हाफ प्लस एच आया होता सो so, ये सिंपली हो जाएगा हाफ माइनस हाफ प्लस एच दैट इज़ लिमिट एच टेंस टू जीरो ये हाफ से हाफ कैंसिल हो जाए और एच की वैल्यू अगर पुट करोगे तो ये सिंपली क्या आ गया जीरो आ गया अब स्टूडेंट जरूरी नहीं होता कि तुम आर कैलकुलेट करो जब पता चल रहा है एफ और एल एच इक्वल नहीं आए तो आर कैलकुलेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर सिम्पली लिख सकते हैं एल एच इज़ नॉट इक्वल टू एफ ए फॉर इज नॉट से ज़्यादा अच्छा वर्ड है डिसकॉन्टीन्यूस एट एच इक्वल टू वन बाई टू ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है शायद टू थाउजेंड एट में बताओ फोर मार्क्स में इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है तो स्टूडेंट्स इसीलिए मैं कह रहा था अगर एक बार तुमने इसका बेसिक समझ लिया ना और बेसिक भी क्या है जिस पॉइंट पे चैक करने जी बोल रहा है उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों कैलकुलेट करो अगर तीनों इक्वल आ रहे तो कॉन्टिन्यूस अदरवाइज फंक्शन विल क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व डिस्कस करते हैं बेटा सो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में टेरा स्टूडेंट्स शो दैट फंक्शन एफ एक्ट इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस को सेट्स वैन एट्स ग्रेटर दैन जीरो एंड फोर इंटू वन माइनस रूट ऑफ वन माइनस एट्स अपॉन एक्स वैन एट्स इज लेस देन जीरो तो मैं कहूँ ये अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स तो इसको डिस्कस करते हैं चलिए सबसे पहले जीरो पर कॉन्टीन्यूटी की बात कर रहा है कह रहे इसको प्रूव करो कि ये जीरो पर कॉन्टीन्यूस है तो मतलब हमें तीनों इक्वल लेके आने हैं सिंपल सी बात ये है तो सबसे पहले एफ जीरो कैलकुलेट करा मैंने जो कि डी वन है सिंपली टू है उसके बाद अपन क्या कैलकुलेट करेंगे एल एच एल एल एच एल करने का तरीका लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्ट्स क्या है बताओ जीरो से कम के लिए दैट इज फोर इंटू वन माइनस रूट ऑफ वन माइनस एक्स अपॉन एट्स अभी स्टूडेंट्स वैसे तो तुम्हें याद होना चाहिए जो लिमिट वाला चैप्टर था क्लास इलेवेंथ में उसमें मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि लिमिट वाला चैप्टर ऐसा है जिसमें अगर न्यूमरेटर में भी रूट आता है तो भी रेशनलाइजेशन करेंगे तो यहाँ पर लिमिट है और न्यूमरेटर में रूट आ गया तो भी रेशनलाइजेशन करेंगे जरूर डिनोमिनेटर में आता है तो मैथ्स में हर जगह करते हैं लेकिन लिमिट वाले में अगर न्यूमरेटर में भी आता है तो भी रेशनलाइजेशन करो अपने आप सॉल्व हो जाएगा तो ध्यान से सुनिए लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस सो ये फोर अपॉन एट्स में तो कोई दिक्कत नहीं है ये क्या लिखा हुआ है वन माइनस रूट ऑफ वन माइनस एक्स तो इसका रेशनलाइजेशन करने के लिए मैंने किससे मल्टीप्लाई किया वन प्लस रूट ऑफ वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस रूट ऑफ वन माइनस एक्स क्लियर है स्टूडेंट्स सो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का बन गया लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस फोर अपॉन एट्स तो बाहर था नीचे एच के साथ क्या आ जाएगा वन प्लस रूट ऑफ वन माइनस एक्स डिनोमिनेटर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई अच्छा न्यूमरेटर देखिए ए माइनस बी एंड इट विल बी ए प्लस बी दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सो बी स्क्वायर विल बी वन माइनस एक्स क्लियर है रूट से बाहर आया सिंपली सो न्यूमरेटर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो बचने वाला न्यूमरेटर जो है वो ये हो चुका है फोर एक्स ये वन सेवन कैंसिल हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया फोर एक्स अपॉन एक्स इन वन प्लस रूट ऑफ वन माइनस एक्स ये एक्स से एक्स टैंसिल हो जाएगा और अब हम सिंपली एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं क्या कहता लिमिट एच टेंस टू जीरो और जैसे ही एक्स टेंस टू जीरो ट्रो रही है क्या बचा फोर अपॉन वन प्लस रूट ऑफ वन माइनस अब एक्स को किससे रिप्लेस करना है जीरो माइनस एच से तो माइनस एच विल बी प्लस एच और जीरो तो कुछ है फर्क नहीं पड़ता प्लस करो माइनस करो अब स्टूडेंट्स ये एच की वैल्यू भी पुट कर दो तो ये क्या हो जाएगा फोर अपॉन वन प्लस रूट वन सो वन प्लस वन फोर अपॉन टू विल बी टू सो स्टूडेंट्स हमारा f जीरो जीरो पे फंक्शन की वैल्यू टू आई थी लेफ्ट हैंड लिमिट में भी जब हमने फंक्शन में एच टेंस टू जीरो माइनस सोल्व किया तो भी टू आया तो सर अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फंक्शन कॉन्टीन्यूस है आप एक काम करिए बस आर एच एल को टू ले आइए

और अगर अब तुम ये लिमिट पुट करने की सोचो तो ध्यान से देखो ये भी लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा ये भी वन हो जाएगा और क्रॉस ज़ीरो भी वन हो जाएगा सो इट सिंपली अगर तुम लिमिट पुट करोगे तो वन प्लस वन इज इक्वल टू टू आ जाएगा अच्छा स्टूडेंट्स कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हम तो एच टेंड्स टू जीरो करके जीरो प्लस एच अपॉन जीरो प्लस एच करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर एच जीरो हो जाएगा साइन एच अपॉन एच आएगा तब भी वन ही होएगा क्लियर है स्टूडेंट्स सो अब मैं कह सकता हूँ दे आर फोर एल एच एल इज इक्वल टू एफ ए इज इक्वल टू आर एच एल तीनों इक्वल आ रहे हैंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो और हम कह सकते हैं हैंस फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो तो स्टूडेंट्स एक अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन सो स्टूडेंट्स आई हैव रिटर्न क्वेश्चन नंबर थर्टीन जिसमें कह रहा है कि फॉर वॉट वैल्यूज ऑफ के फंक्शन एफ एक्ट्स इज इक्वल टू फंक्शन एफ एक्ट इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर वैन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड फोर वैन एक्स लेस देन वन कॉन्टीन्यूअस फॉर एक्स इक्वल टू वन अब स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है इसमें उसने खुद ने मान लिया कि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है एक्स इक्वल टू वन के लिए अब ये कॉन्टीन्यूस है उस कंडीशन के लिए के की वैल्यू बताओ क्या होनी चाहिए तो स्टूडेंट्स अब हमें सिंपली हमें तो वही पता है एल एच एल एफ ए और आर एच एल तीनों इक्वल होने वाली है तो ऐसे केस में पता है तीनों फाइंड आउट नहीं करने की ज़रूरत पड़ती जनरली दो से ही काम हो जाता है मतलब है एक बार ऐसा करना है कि एक बार ये फंक्शन काम में आ जाए एक बार ये फंक्शन तो ये तो आर एच एल में भी काम में आएगा और एफ वन पर भी काम में आएगा और वन माइनस एल एच एल के लिए ये काम में आएगा तो अब एक बात आओ आर एच एल कैलकुलेट करना आसान है या फंक्शन की वैल्यू वन पे कैलकुलेट करना आसान है फंक्शन की वैल्यू वन पे कैलकुलेट करना बिल्कुल आसान है तो एफ वन विल बी के एक्स स्क्वायर विल बी वन तो सिंपली ये क्या आ गया के आ गया अब आर एच एल निकालोगे तो उससे के ही आना है तो बार बार क्या फायदा है करने से तो इसलिए अब एक बार इसका यूज हो चुका है एक बार इसका यूज करो दो से ही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा तो अब क्या है एल एच एल एल एच एल बताओ लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस फंक्शन विल बी फोर तो लिमिट एक्स की तो कोई है नहीं यहाँ पे सो सिंपली क्या आ जाएगा फोर आ गया अब ये दोनों अगर इक्वल होंगे अच्छा कोई सोच रहे है? सर आप इसके इक्वल आर एच एल को नहीं करोगे आर एच एल से मिलने वाली वैल्यू अरे ये दोनों इक्वल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए मुझे तो ये बता दो सर ये तो होने चाहिए तो अगर ये इक्वल होने चाहिए तो इनको इक्वल करते या तो रही गई वैल्यू फोर अब आर एच एल से पहले आर एच एल को इक्वल करोगे तो यहाँ से आर एच एल की वैल्यू भी तेई आ रही होती है अब के इक्वल टू के रखने का क्या मतलब था इसलिए बस दो यूज करने होते हैं हमें ऐसा यूज करो कि ये डेफिनेशन भी यूज हो जाए ये डेफिनेशन भी यूज हो जाए बस अच्छा किसी में मजबूरी ऑडिटी ती, तीनों यूज करने पड़ रही है तो उसमें देख लेंगे बाकी ज्यादातर जनरली क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनमें अगर तुमने इन दोनों डेफिनेशन का यूज़ कर लिया जैसे देखो टोटल तीन होती हैं फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे एल एच एल और आर एच एल अब एल एच एल से तो ये यूज हो गया अब आर एच एल और फंक्शन की पॉइंट फंक्शन की वैल्यू वन पे दोनों में यही फंक्शन काम में आ रहे हैं तो कोई भी एट यूज कर लो एफ वन में से और आर एच एल में से क्लियर है स्टूडेंट्स सो नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर फोर्टीन सो स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन जिसमें है फॉर वॉट वैल्यूज ऑफ के फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो तो ये क्वेश्चन तो जस्ट सिमिलर है हमारे प्रीवियस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है और जो थर्टीन था वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह का था।, था अच्छा इसमें बाद में एक बात और कह रहे हैं ऑल्सो राइट वेदर फंक्शन एट टू वन तो इस क्वेश्चन को हम बाद में डिस्कस करेंगे अभी फर्स्ट पार्ट को ही डिस्कस करते हैं विच इज सिमिलर टू आवर क्वेश्चन नंबर थर्टीन ठीक है तो अब देखिए वापिस से अब एल एच एल और एफ जीरो पे सेम फंक्शन यूज हो रहा है तो एल एच एल और एफ जीरो में कौन सा कैलकुलेट करना ज्यादा सही रहेगा एफ जीरो सो के इन टू एक्स स्क्वायर प्लस टू सो इट विल बी टू के एक्स की वैल्यू मैंने जीरो पुट कर दी क्लियर है स्टूडेंट्स और अब आर एच एल कैलकुलेट करता हूँ आर एच एल सो क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस अब जीरो से ज़्यादा क्लियर कौन सा फंक्शन काम में आने वाला है थ्री एक्स प्लस वन सो इट विल बी लिमिट एच टेंस टू जीरो और एच को रिप्लेस करेंगे जीरो प्लस एच से प्लस वन सो सिंपली ये हो जाएगा वन होते okay, स्टूडेंट्स अब ये दोनों यूज दोनों इक्वल होने चाहिए तभी फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा अच्छा सर आप इसमें एल भी तो निकालो बेटा एल निकालते तो भी टूट के ही आता तो यहाँ से भी टूटे ही आ चुका है अब ये तीनों इक्वल कर दूँ या ये दोनों इक्वल कर दूँ बात वही है तो क्या हो जाएगा यहाँ से देयर फोर टू के इज इक्वल टू वन सो के की वैल्यू आ गई वन बाई टू मैं यहाँ पे कह सकता हूँ सिंपली दे आर फोर टू के मस्ट बी इक्वल टू वन देयर हैं से इज इक्वल टू वन बाई टू अब स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो चुका है अब सेकेंड पार्ट को समझने की कोशिश करिएगा अब ये क्वेश्चन मान चुका है कि की वैल्यू वन बाय टू है तो कह रहे हैं ऑल्सो राइट वेदर अब देखो ये तो श्योटर हुआ था उसने एट्स इक्वल टू जीरो पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ये इसके लिए के की वैल्यू फाइंड आउट करो अब के आ गया वन बाय टू अब कह रहे हैं ये और बताओ कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है क्या एट्स इक्वल टू वन तो पहली बात तो ये अगर टेटी टर्म्स में होता तो हमें बता पाना मुश्किल था अब के की वैल्यू पता चल चुकी है वन बाय टू तो पहले उसको रख दो वन बाय टू एक्स स्क्वायर प्लस टू और दूसरा हो जाएगा थ्री एक्स प्लस वन इफ़ एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो और इफ़ एक्स ग्रेटर देन जीरो मींस अब जब के की वैल्यू वन बाई टू हो चुकी है तो अब इस फंक्शन का बताओ कि एक्स इक्वल टू वन पे कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा ये क्वेश्चन है तो सर ये तो बड़ा आसान है अब ध्यान से समझना बेटा जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ देखिए सबसे पहले तुम एफ वन कैलकुलेट करते हो एफ वन कितना आएगा एफ वन आएगा थ्री इंटू वन प्लस वन दैट इज इक्वल टू फोर अब तुम एल एच एल के लिए कैलकुलेट करोगे और आर एच एल के लिए कैलकुलेट करोगे अब इसमें पता है मैं बिना तरह बता सकता हूँ ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा सर बिना किए कैसे बताया देखो एल एच एल का मतलब वन से कम के लिए आर एच एल का मतलब वन से ज़्यादा के लिए चाहे वन से ज़्यादा की बात हो रही हो चाहे वन से कम की बात हो रही हो मैं कह रहा हूँ यही फंक्शन काम में आएगा चेक कर लो सर क्यों आएगा वन से कम के लिए तो ये वाला भी तो हो सकता वन माइनस जब हम लिखते हैं ना लिमिट एच टेंस टू वन माइनस इसका मतलब होता है वन माइनस एच मतलब वन से थोड़ा सा कम तो वन से थोड़ा सा कम करोगे तो भी रहेगा तो जीरो से ज़्यादा ही तो सेम फंक्शन काम में आने वाला है इसमें भी थ्री एच प्लस वन और इसमें भी लिमिट एच टेंस टू वन प्लस में भी थ्री एक्स प्लस वन ही काम में आएगा अब वन माइनस एक्स रिप्लेस करो ये भी फोर आएगा ये भी फोर आएगा तीनों फोर आ गए तो यस वी कैन से दैट फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू वन तो क्लियर गया ऑर्डर स्टूडेंट ऐसा कुछ भी नहीं है इजी क्वेश्चन है नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन सो स्टूडेंट्स दिस इज क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन जिसमें कह रहा है कि फॉर वॉट वैल्यूज ऑफ के फॉलोइंग फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस एट एच इक्वल टू टू कह रहा है कि k की के की वैल्यू बताओ जिसके लिए फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू टू ओके सो एफ एक्स इज इक्वल टू इस तरीके से डीवन है वैन एक्स इज नॉट इक्वल टू टू देन दिस एंड वैन एट्स इक्वल टू टू फंक्शन इज इक्वल टू के सो वी हैव टू कैलकुलेट अच्छा इस केस में क्या है एल एच एल और आर एच एल दोनों के लिए ये सेम ही बात है तो ठीक है अब सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर मीन्स एफ टू एफ टू क्या आएगी क्या आएगी अब हमें एल एच एल और आर एच एल में से एक कैलकुलेट करना है उसी से पता चल जाएगा तो जैसे सिंपली मैंने आर एच एल कैलकुलेट कर लिया तो आर एच एल क्या होता है स्टूडेंट्स लिमिट एक्स टेंस टू टू प्लस दो पे चैट करना है ना तो टू प्लस हो जाएगी आर एच एल देस में सो तो ये हो जाएगा फंक्शन फाइव एक्स प्लस टू माइनस रूट ऑफ फोर एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स प्लस टू अब मैंने थोड़ी देर पहले अभी अभी एक बात समझाई थी तुम्हें कि लिमिट वाले क्वेश्चन में अगर न्यूमिनेटर में भी रूट आता है तो भी रेशनलाइजेशन करेंगे तो स्टूडेंट्स मैं यहीं कर देता हूँ रेशनलाइजेशन किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रूट ऑफ फाइव एक्स प्लस टू प्लस रूट ऑफ फोर एक्स प्लस फोर अपॉन रूट ऑफ फाइव एक्स प्लस टू प्लस रूट ऑफ फोर एक्स प्लस फोर इस तरीके से क्लियर है स्टूडेंट्स चलिए आगे चलते हैं तो ये सिंपली क्या बन जाएगा लिमिट एच टेंस टू टू प्लस और ये सिंपली बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सो फाइव एक्स प्लस टू माइनस फोर एक्स माइनस फोर क्लियर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर विल बी फोर एक्स प्लस फोर सो माइनस से मल्टीप्लाई होने पर दोनों माइनस के हो जाएंगे स्टूडेंट्स मुझे ऐसा याद आ रहा है कि जो बुक में क्वेश्चन रिटर्न है ना उसमें यहाँ पर एक्स माइनस टू है सो so, मैं कन्फर्म कर लेता हूँ एक्स माइनस टू है तो so, एक्चुअल में ये गलत लिखा हुआ है एक्स माइनस टू आएगा सो so, यहाँ भी एक्स माइनस टू और यहाँ डिनोमिनेटर अब क्या बन गया एक्स माइनस टू इन टू रूट ऑफ फाइव एक्स प्लस टू प्लस रूट ऑफ फोर एक्स प्लस फोर इस तरीके का डिनोमिनेटर बन गया कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अभी आगे सॉल्व करते हैं अब एक स्टेप और लिखें तो पता चलेगा लिमिट एक्स टेंस टू तो टू प्लस है यहाँ तो यहाँ पे फाइव एक्स माइनस तो ये हो गया एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू इन रूट ऑफ फाइव एक्स प्लस टू प्लस रूट ऑफ फोर एक्स प्लस फोर ये एक्स माइनस टू से एक्स माइनस टू कैंसिल हो जाएगा और आगे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा लिमिट अब मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ एच टेंस टू जीरो से तो जैसे ही एच टेंस टू जीरो करोगे क्या हो जाएगा वन अपॉन रूट ऑफ फाइव इंटू टू प्लस एच प्लस टू प्लस रूट ऑफ फोर इंटू टू प्लस एच प्लस फोर सो स्टूडेंट्स अगर अब एच की वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा वन बाय रूट ट्वेल्व प्लस रूट ट्वेल्व सो सिंपली वी कैन से वन बाई टू रूट ट्वेल्व ट्वेल्व में से फोर इंटू थ्री लिख सकते हैं फोर बाहर आएगा टू हो जाएगा तो सिंपली इट विल बी वन बाय फोर रूट थ्री अब फंक्शन की वैल्यू टू पर तो आई थी के और राइट हैंड लिमिट आई वन बाय फोर रूट थ्री अब कह रहा है फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए बिल्कुल होने चाहिए तो मैं कह सकता हूँ दे फोर के इज इक्वल टू वन बाय फोर रूट थ्री इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का क्लियर है स्टूडेंट्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर क्वेश्चन नंबर तो बेटा मैंने क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड लिखा है जिसमें कह रहा है फॉर वर्ड वैल्यू ऑफ के फॉलोइंड फंक्शन आर कॉन्टीन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन तुम्हें देख के याद आना चाहिए ये बिल्कुल ट्वेल्थ का जो ट्वेल्थ क्वेश्चन था उसी की तरह बस इसे एक्स को सेपरेट कर दो तो ये बनेगा साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस क्रोस एक्स अपॉन एक्स फिर एल एच ये आर एच एल करो टू आएगा और यहाँ पे जीरो पे वैल्यू के है तो के इज इक्वल टू टू आ जाएगा ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है तुम इसको इजीली कर पाओगे सेकेंड भी सिंपल है लेकिन कर लेते हैं जैसे एफ जीरो की वैल्यू तो कितनी तो आ रही है के आ रही है अब एल एच एल और आर एच एल में से कैलकुलेट कर लो आर एच एल कर लो क्या हो जाएगा बताओ लिमिट एक्स टेंस टू अच्छा सर आप एल एच एल या आर एच एल में क्योंकि देखो हमें ये दोनों डेफिनेशन यूज़ करनी होती है अब मैंने जीरो पर करूँगा तब तो ये डेफिनेशन यूज हो रही और अब एल एच एल पे भी करूँ आर एच एल पे भी करूँ ये डेफिनेशन यूज़ होगी तो एल एच एल और आर एच एल में यहाँ पे चॉइस है जैसे कई बार एफ जीरो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू दे रखा होता है तो हमारे पास आर एच एल और उस पॉइंट के ऊपर वो ऑप्शन होता है चॉइस होती है कि हम उन दोनों में से कौन सा यूज करें इस तरह तो आर एच एल क्या हो जाएगा जीरो से ज़्यादा चलिए जीरो प्लस फंक्शन क्या है साइन फाइव एक्स अपॉन थ्री एक्स अब जैसे ही ये दिखा तुम्हारे दिमाग में बात चलनी चाहिए कि भाई साइन थीटा अपॉन थीटा बनाना होता है तो फाइव से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो स्टूडेंट्स ये सिंपली क्या हो जाएगा एच टेंस टू ज़ीरो प्लस फाइव अपॉन थ्री क्यों क्योंकि साइन फाइव अपॉन फाइव जो था मल्टी ज़्यादा सही स्टेटमेंट तो ये होगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो प्लस साइन फाइव एक्ट्स अपॉन फाइव एक्ट्स जब होता है तो क्या हो जाता है वन हो जाता है तो यहाँ से एक्स से एक्सटेंसिल हो गया इंडिपेंडेंट ऑफ एक्ट्स हो गया तो सिंपली कितना आ गया फाइव बाई थ्री तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए तो देआर फोर के इज इक्वल टू फाइव बाई थ्री मान के चलिए इससे आसान क्वेश्चन ट्वेल्थ क्लास में नहीं हो सकता और क्या चाहिए तुम्हें बिल्कुल ईजिली हो पा रहा है क्वेश्चन तुम्हारा इससे दो पार्ट हो रहे हैं उनको और डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स पार्ट थ्री में क्या कह रहा है एफ एक्ट्स इज इक्वल टू वन माइनस कोस फोर एक्स अपॉन एट एक्स स्क्वायर वैन एक्स इज़ नॉट इक्वल टू जीरो एंड के वैन एक्स इक्वल टू जीरो इस तरह का हमारा एक क्वेश्चन क्या हुआ भी है मैं कर देता हूँ देखिए ये तो सबको पता चल रहा है कि एफ़ जीरो जो है वो के है अब जैसे मान लो मैं आर एच एल कैलकुलेट करने जा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस आर एच एल के लिए और फंक्शन क्या हो जाएगा वन माइनस फोर एक्स अपॉन एट एक्स स्क्वायर सो so, लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस फंक्शन वन माइनस क्रॉस टू एक्स होता तो ये टू साइन स्क्वायर एक्स हो गया होता अब वन माइनस क्रॉस फोर एक्स है तो इट विल बी टू साइन स्क्वायर टू एक्स अपौन क्या चल रहा है एट एक्स स्क्वायर चल रहा है अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है बस और कुछ नहीं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस ही रहने दो टू साइन स्क्वायर टू एक्स को इस तरीके से लिखेंगे साइन टू एक्स साइन टू एक्स हमने एक क्वेश्चन ऐसा इसी एक्सरसाइज में पहले भी किया है अब इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं से देखो टू एक्स इन टू टू एक्स अब ये क्या हो गया पता है 4X2. तो सर ये और बचा है उस 4 को यहां लिख दिया इन दोनों को कैंसिल कर दिया कितना आ गया वन बाय टू अब साइन टू एक्स अपॉन टू एक्स की वैल्यू वन और इसकी भी वैल्यू वन सो so, ये सिंपली क्या बचा वन बाय टू बच गया इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है इसलिए मैंने इसकी लिमिट को भी रिमूव कर दिया क्लियर है स्टूडेंट्स अब यहाँ से तो के आया था यहाँ से वन बाई टू आया था दोनों इक्वल होने चाहिए दे आर फोर के इज इक्वल टू वन बाई टू बताओ यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में नहीं है तो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है क्लियर है स्टूडेंट्स चलिए फोर्थ पार्ट पे चलते हैं जो कि सिक्सटीन क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है दैट इज़ पार्ट नंबर फोर ये भी कुछ कुछ इसी तरीके का है अब ध्यान से सुनिए सर हमें तो एक आइडेंटिटी ये याद है वन माइनस प्लस टू एक्स इज इक्वल टू टू साइन स्क्वायर एक्स और एट आइडेंटिटी ये याद है वन प्लस क्रॉस टू एक्स इज इक्वल टू टू क्रॉस स्क्वायर एक्स आप ध्यान से समझिए अब कुछ भी लिख के देता है वो जैसे यहाँ पे टू एक्स था तो यहाँ पे क्या बन जाता है एक्स हाफ हो जाता है तो बस कोई दिक्कत नहीं है अब एफ जीरो तो, तो तुम्हें पता है कि वन बाई टू है अब आर एच एल और कैलकुलेट कर लेते हैं जिससे ये वाली डेफिनेशन और यूज हो जाए तो आर एच एल की वैल्यू क्या हो जाएगी लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस फंक्शन विल बी वन माइनस क्रोस के एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स ओके स्टूडेंट्स सो इसको सॉल्व करते हैं यहीं क्या आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस ही रहेगा ये देखिए ध्यान से कुछ ऐसा हो जाएगा क्या टू साइन स्क्वायर ये तो पता है भाई टू साइन स्क्वायर आएगा अब देखिए यहाँ पर जब टू एक्स होता था तो एक्स होता था अब के एक्स है तो इसका हाफ हो जाएगा तो क्या आएगा सिंपली के बाई टू एक्स ये वाली बात समझ में आनी बहुत जरूरी है बोलो आ गई देखिए जैसे थ्री एक्स हो रहा है या फोर एक्स होता है तो टू एक्स होता है देखो यहाँ पे फोर एक्स था तो कितना हो गया टू एक्स तो अब के एक्स है तो टे एक्स बाई टू चलिए और नीचे क्या रखा है बताओ मुझे नीचे है अपना एक्स इंटू साइन एक्स स्टूडेंट्स अब आगे प्रोसीड करते हैं इसी क्वेश्चन को तो क्या आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो प्लस अब देखिए टू अब साइन स्क्वायर के एक्स बाई टू को ऐसे लिखा जा सकता है साइन के एक्स बाई टू इंटू साइन के एक्स बाई टू मीन्स साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे लिखते हैं ना साइन थीटा साइन थीटा वही लिखा है और कुछ भी नहीं अच्छा डिनोमिनेटर पे आओ डिनोमिनेटर क्या है अपना एक्स इंटू साइन एक्स बोलो तो अब मैंने सबसे पहले क्या किया सबसे पहले मैंने इस साइन एक्स को वन बनाने की सोची तो मैंने H से मल्टीप्लाई और H से डिवाइड कर दिया H sin, H when H tends to 0, है लिमिट तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी वन हो जाएगी अब स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए अब मुझे और क्या चाहिए मुझे चाहिए साइन के एक्स बाई टू लिखा हुआ है तो नीचे भी के एक्स बाई टू चाहिए तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ इसको के बाई टू से मल्टीप्लाई किया और इसको भी के बाय टू से मल्टीप्लाई किया अब ये मल्टीप्लाई मैंने डिनोमिनेटर में किया है तो मुझे न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा के बाय टू इन टू के बाय टू बोलो कोई प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अब देखो अब ध्यान से देखना गलती ना हो अब ये जो लिखा हुआ है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी वन उसी तरह ये जो लिखा हुआ है इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी वन हो जाएगी समझ में तो आ रहा है ना देखिए इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी वन हो जाएगी अच्छा उसी तरह ये जो एक्स अपॉन साइन एक्ट्स लिखा हुआ है इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी वन हो जाएगी तो स्टूडेंट्स मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ इसकी वैल्यू भी कितनी होने वाली है वन सो so, इस टू से ये टू कैंसिल कर देता हूँ क्या बचा के स्क्वायर बाई टू बचा तो मैं इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो गया लिमिट पुट कर दी सिंपली क्या आ गया के स्क्वायर बाई टू अब जो बात समझने की है, है, है जीरो इज इक्वल टू वन बाई टू आया था आर एच एल जो है वो के स्क्वायर बाई टू आया है फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट तो दोनों लिमिट इक्वल होंगी या नहीं होंगी बस मुझे तो ये बताओ बिल्कुल इक्वल होंगी इट इम्प्लाइज के स्क्वायर बाई टू मस्ट बी इक्वल टू वन बाई टू टू से टू कैंसिल होगा इट इम्प्लाइज के इक्वल टू प्लस माइनस वन दैट इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन तो क्लियर है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन के चारों पार्ट मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिए सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड अप टू क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर टेन टू क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन आर डिस्कस टुडे सो नाउ यू कैन कंप्लीट अप टू क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज ओके थैंक यू स्टूडेंट्स